सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात किस तरीके से कर सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस वीडियो को लाइक कर देना। पहली दूसरी चीज़ सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो गाइस वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला तरीका आपको सिंपल फ्लिपकार्ट को ही ओपन कर लेना है इस तरीके से। यहाँ से मैं फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ फ्लिपकार्ट कहाँ है मेरा। ठीक है, फ्लिपकार्ट को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको हेल्प सेंटर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद हेल्प सेंटर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो, इस तरीके से आपको थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक लड़की बनी हुई आएगी, इस पर सिंपल टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर वेट करना है, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर माई ऑर्डर्स माई अकाउंट रिटर्न पेमेंट, यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम आपको आ जाएगी कि आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको इशू इससे सॉल्व नहीं होता है तो यहाँ से आपको किस क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है। यहाँ से आपको सिंपल गूगल में चले जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर नंबर इस तरीके से टाइप करना है। यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर के नंबर आ जाएंगे। अगर इस पर कॉल नहीं लगता तो पहले नंबर वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जो है यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी इनकी। यहाँ पर जो भी नंबर दिया हुआ था फ्लिपकार्ट व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर, उसके बाद फ्लिपकार्ट व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर, उसके बाद इस तरीके से नंबर काफ़ी आ जाएंगे, इनसे आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।